जोहार हजारीबाग, जयराम मैं तो पहली बार हजारीबाग डीसी कार्यालय आए हैं और पहली बार यहाँ हजारीबाग समनाला में आए मिलने के लिए। और अभी बात हो रही है उनके अधिकारी से, जो सहायक हैं, निजी सहायक, उनसे बात हो रही है। मामला ये है कि जो कुछ प्रवासी मजदूर हैं बाहर फंसे हुए हैं विदेश में, उन मुद्दा को लेकर यहाँ पे आए हैं और हजारीबाग में अपने कार्यकर्ता के साथ यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ जो है, कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ पे आके दिखाए। जयराम मैं तो जो है बात कर रहे हैं अधिकारी से, और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके हक अधिकार की बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और अपने सारे कार्यकर्ता के साथ निकल रहे हैं। अभी देखिए क्या है, क्या चल रहा है यहाँ। मोतीलाल जी भी हैं इनके साथ, संजय मेहता जी हैं यहाँ पे, करण जी हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं आज हम देख सकते हैं यहाँ पहुँचे हुए। कोडरमा से यहाँ नेता लोग पहुँचे हुए हैं, JBKSS के यहाँ बड़का गांव से लोग आए हुए हैं, और ये बड़े बड़े नेता हैं, बरकट्ठा के हैं, बरही के हैं, मतलब पूरा JBKSS जो है यहाँ हजारीबाग पहुँच गया है। देखिए अपने सब लोग, संजय मेहता जी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और जितने भी JBKSS कार्यकर्ता हैं सब यहाँ पे निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अधिकारी से मिल के जा रहे हैं, यहाँ राजदेश जी भी हैं, जयराम जी मिल गए हम लोग। जयराम जी, क्या हजारीबाग पहुँचे आप किसी से मिलने? हाँ, हजारीबाग एक बहुत संवेदनशील मामले को लेकर आए थे फैज भाई। मामला दरअसल ये है कि हमारे सऊदी अरब में बिशुनगढ़ प्रखंड, बगोदर प्रखंड, डुमरी, नावाडी, यानी तीन जिला मिलाकर 45 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, और उनकी वतन वापसी को लेकर हम लोग लगातार अपनी ओर से, चूंकि ये इंटरनेशनल मामला है लेकिन एक आंदोलन ऐसा होता है, मीडिया एक ऐसी चीज होती है जो छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े इशू को सफल कराने में उनका कार्य होता है, तो इसीलिए हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहा है। जैसे कि हम लोग कल जब डीसी ग्रिडी के माध्यम से जब हम लोग ज्ञापन दिए और जब वो सारी चीजें मीडिया में आई, तो MSC ने फर्स्ट टाइम उनसे संपर्क किया और उनको भोजन पानी की व्यवस्था कराई है। तो यदि हम लोग इस मूवमेंट को या फिर उनकी इश्यूज को अगर हाईलाइट करते रहेंगे पत्रकारिता माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्द सफलता हासिल कर लेंगे। और आपका देखा गया कि प्रवासी मजदूर के साथ बहुत सारी सभा भी हुई है, बैंगलोर गए आप, बॉम्बे गए, तो क्या एक लगाव हो गया है? निश्चय एक लगाव हुआ है और मुझे लगता है कि उसी कारण आज प्रवासी मजदूर, आज जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं उनसे ज्यादा अपेक्षाएं हमारे संगठन से रखती हैं, और हम लोग भी जितना हम लोग का सामर्थ्य है उसके अनुसार हम लोग दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। तो मतलब एक उम्मीद के में आप लोगों पर्सनली कॉल आया कि जयराम दा जाके मिलिए, हमारा मुद्दा उठाइए? बिल्कुल, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी कॉल गया होगा, लेकिन उन्होंने या तो इग्नोर किया होगा या तो फिर उनको पॉजिटिव तरीके से बात नहीं किया होगा या फिर मैंने उदासीन रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने हम लोगों से संपर्क साधा। और जब से हमसे संपर्क साधा है, हम लोग अपने स्वास्थ्य को भूलकर, अपनी खुशियों को भूलकर लगातार उनके हितार्थ के लिए कभी गिरिडीह कार्यालय का चक्कर काट रहे, कभी हजारीबाग, और फिर अभी रांची हम लोग संभावना है मुख्य सचिव से भी हम लोग समय लेने का काम करेंगे। तो ये थे जयराम महतो जी, और प्रवासी मजदूरों का प्यार जो है इन्हें हजारीबाग ले आया, और आप देख सकते हैं अपने पूरे कार्यकर्ता के साथ हजारीबाग यहाँ पहुंचे हैं जयराम महतो, और बाकी की जानकारी हम लोग देंगे। आपको कहना यह है कि सऊदी अरब में कई प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे उन मुद्दों को लेकर यहाँ पे था, ऐसा था कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है कई दिनों से, उनको सैलरी नहीं मिला है, तनख्वाह नहीं मिला है, ये सब मुद्दों को लेकर उन्होंने इनकी पार्टी को कॉन्टैक्ट किया, और फिर जब इनकी पार्टी को कॉन्टैक्ट किया तो फिर उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया, और फिर अभी हजारीबाग की DC के सामने यहाँ पे आवेदन दिया है, और उन लोगों को या तो वापस लाने का या फिर उनको जो सुविधा, बेसिक सुविधा है उनको देने के लिए जयराम मैं तो खुद यहाँ हजारीबाग पहुँचे। हजारीबाग जैसे ही पहुँचे थे, इनके आसपास JBKSS के जितने कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बाकी की अपडेट हम लोग बात करेंगे JBKSS या फिर अलग मुद्दे पे आपको दिखाएंगे, अपडेट करते रहेंगे। जयराम का हजारीबाग का कार्यक्रम कैसा रहा?